आप देख रहे हैं TNB। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया, साथ ही कोरोना से लड़ने में भारत के योगदान का जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात की। दुनिया के सभी बड़े नेता पीएम मोदी से गर्मजोशी से मिले। पीएम मोदी ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी आज जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और स्पेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों के नेता इटली में एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हुए। सुपर पावर अमेरिका हो, ब्रिटेन या फिर फ्रांस, सभी बड़े और संपन्न देशों के नेता मौजूद रहे, लेकिन G20 समिट में पीएम मोदी की मौजूदगी पूरे विश्व में हिंदुस्तान की ताकत और उसकी अहमियत का एहसास करा रही थी। कोरोना महामारी के बाद ये पहला मौका था जब दुनिया भर के बड़े नेता प्रत्यक्ष रूप से एक साथ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हो। सभी नेताओं ने कोरोना महामारी, इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर मंथन किया। G20 समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई का जिक्र किया। वैश्विक चेन सप्लाई में भारत की भूमिका को बताते हुए उन्होंने दुनिया को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में भारत के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने 150 से ज्यादा देशों को भारत की मेडिकल सप्लाई का जिक्र किया और वन अर्थ वन हेल्थ के हमारे विजन के बारे में बात की, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोगात्मक नजरिए को बताता है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 देशों को भारत के आर्थिक सुधार में अपना भागीदार बनाने के लिए भी आमंत्रित किया है। आपको बता दें, G20 समिट के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भी मुलाकात की। आज पीएम मोदी स्पेन के पीएम और जर्मन चांसलर से मुलाकात करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने दूसरे और नेताओं से भी गर्मजोशी से मुलाकात की। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी से जिस तरह से मिल रहे थे, वो पीएम मोदी की ग्लोबल इमेज और दुनिया में हिंदुस्तान की बड़ी ताकत और रुतबे को बयां कर रहा था। पीएम मोदी G20 के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच 20 मिनट तक तय हुई बैठक करीब एक घंटे तक चली। इस दौरान दोनों में क्लाइमेट चेंज, कोरोना हेल्थ सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो जाएंगे, जहां वे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में 120 से ज्यादा देशों के नेता जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के उपायों पर मंथन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी की इजराइल के प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं से भी मुलाकात होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।